To the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. ठाकुर आचार्य सरस्वती विद्या मंदिर रिंग बांध सीता मढ़ी। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट, यानी सम मालूम करना है सुटेबल रीअरेंजमेंट के द्वारा। क्वेश्चन ए 837 प्लस 208 प्लस 363, इन तीनों नंबर का हमें सम मालूम करना है। तो हम दो ऐसे नंबर को अरेंज करेंगे एक साथ ताकि उनके यूनिट प्लेस पर जीरो आए। तो 8 और 7 15, 5 आ रहा है यूनिट प्लेस पे, 8 और 3 इन दोनों को जोड़ते हैं तो यूनिट प्लेस पर 11 1 आ जाएगा, और यहाँ यूनिट प्लेस पर 7 है और यूनिट प्लेस पे 3 है तो 10 0 आएगा। इसी तो हम इस नंबर को सबसे पहले अरेंज करेंगे 837 प्लस 363 प्लस 208, यानी जो थर्ड स्थान पे था उसको हमने सेकंड स्थान पे लाया और जो सेकंड स्थान पे था हमने उसको थर्ड स्थान पर, यानी हमने ऑर्डर को चेंज कर दिया है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के द्वारा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के द्वारा, यानी इस जो ऑर्डर को चेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम पहले इन दोनों संख्याओं का सम मालूम करेंगे। तो 7 प्लस 3 10 0 कैरिंग 1, 6 3 9 1 10 के 0 कैरिंग 1, 8 3 11 1 12 1200 प्लस 208। अब दोनों को ऐड करेंगे, 8 में 0 ऐड करेंगे 8, 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 2 प्लस 2 4 और 1। इस तरह से तीनों संख्याओं का सम 1408 होगा। यानी हम इसमें नंबर के ऑर्डर को चेंज करेंगे और चेंज करके फिर हम सम मालूम करेंगे। एक और उदाहरण हम लोग लेते हैं 1962 प्लस 453 प्लस 1538 प्लस 647। यहाँ इन चारों संख्याओं का सम मालूम करना है। यहाँ भी हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के द्वारा इनके ऑर्डर को चेंज करेंगे 1962 प्लस 1538 प्लस 453 प्लस 647। यानी जो थर्ड पोजीशन पे था हमने उसको सेकंड पोजीशन पे लाया, जो सेकंड पोजीशन पे था हमने उसको थर्ड पोजीशन पर, यानी इन दोनों नंबर के ऑर्डर को हमने चेंज कर दिया है। और अब इन दोनों का सम हम एक बार मालूम करेंगे और फिर इन दोनों का सम हम एक बार मालूम करेंगे। तो 8 में 2 ऐड करेंगे 10 0 कैरिंग 1, 6 3 9 1 10 के 0 कैरिंग 1, 9 1 10 10 5 15 के 5 कैरिंग 1, 1 1 2 1 3 प्लस 7 3 10 0 कैरिंग 1, 4 1 5 5 10 0 कैरिंग 1 और 6 4 10 1 11। तो 3500, यानी इन दोनों नंबर का सम 3500 होगा और बाद के जो दोनों नंबर्स है उनका सम 1100 होगा। और अब इन दोनों नंबर को हम ऐड करेंगे तो इस तरह से दोनों का सम 4600 होगा। यानी फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ऑर्डर को चेंज करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के द्वारा बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम सॉल्व करेंगे।
शुरू करें। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। यहां भी हमें प्रोडक्ट ही मालूम करना है सुटेबल रीअरेंजमेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर ए 2 × 1768 × 50, यानी इन तीनों नंबर का प्रोडक्ट मालूम करना है। तो यहां भी हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के द्वारा ऑर्डर को चेंज करेंगे 2 × 50 × 1768, यानी 50 जो तीसरे स्थान पर था हमने उसको दूसरे स्थान पर लाया, और जो नंबर दूसरे स्थान पर था हमने उसको तीसरे स्थान पर ले गया बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के द्वारा, बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और अब पहले इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट मालूम करेंगे, तो 2 × 50 = 100 और × 1768, अब इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट मालूम करेंगे। तो इस तरह से इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 1,76,800, यानी यहाँ भी हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का ही एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। टू का एफ 125 × 40 × 8 × 25। यहाँ भी हमें इन चारों संख्याओं का प्रोडक्ट मालूम करना है, तो यहाँ भी हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, यानी नंबर के ऑर्डर को चेंज करेंगे 125 × 8 × 40 × 25, यानी इन दोनों नंबर के ऑर्डर को हमने चेंज किया है, है ना। 40 को 8 के स्थान पर और 8 को 40 के स्थान पर ले आया है। अब फर्स्ट और सेकंड को एक बार लेंगे, थर्ड और फोर्थ को एक बार लेंगे, तो 125 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 होगा, और फिर 40 को भी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 होगा, और अब 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1s, 10s, 100s, 1000s, 10000s, 1,000,000, 10,000,000। इस तरह से इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट 1,000,000 होगा। तो हमें क्या करना है कि नंबर के ऑर्डर को चेंज करना है, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। तो टू क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी क्वेश्चन को भी हम इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर ए 297 × 17 + 297 × 3। थर्ड क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर ए है 297 × 17 + 297 × 3। यहाँ ये दोनों पार्ट को हम देखते हैं, देखते हैं कि दोनों ही पार्ट में 297 कॉमन है, यानी 297 फर्स्ट पार्ट में भी है और 297 सेकंड पार्ट में भी है। तो 297 को हम कॉमन लेते हैं, और कॉमन लेने के बाद यहाँ 17 है, फिर प्लस और यहाँ 3 है। तो हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यानी 297 फर्स्ट पार्ट में भी है और 297 सेकंड पार्ट में भी है, यानी दोनों ही पार्ट में कॉमन है, इसीलिए मैंने इसको बाहर लिया है और ब्रैकेट में 17 + 3। और अब 297 × 17 में 3 ऐड करेंगे तो 20 होगा, और अब 297 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे
सेवन टू जा 14 फोर कैरिंग वन, नाइन टू जा 18 और 199 कैरिंग वन, टू टू जा 415। इस तरह से इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट 5940 होगा। यानी इस क्वेश्चन में हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का ही एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, 3845 × 5 × 782 + 769 × 25 × 218। इस क्वेश्चन में भी दो पार्ट है, लेकिन दोनों ही पार्ट में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो क्या करेंगे, तीन नंबर जो दिए गए हैं उनमें से हम फर्स्ट पार्ट में इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट मालूम करेंगे। 3845 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके 19225 होगा। और सेकेंड पार्ट में भी हम 769 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19225 होगा। यानी फर्स्ट पार्ट में भी हम इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट मालूम करेंगे और यहाँ लिखेंगे, और सेकेंड पार्ट में भी इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट मालूम करेंगे और यहाँ लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि दोनों ही पार्ट में 19225 कॉमन यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसीलिए हम 19225 को कॉमन ले लेते हैं। 19225 × 782 + 218, यानी दोनों ही पार्ट में 19225 कॉमन है, इसीलिए हमने इसको कॉमन कर दिया। तो यहाँ 782 है तो यहाँ 782 लिखेंगे, प्लस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, और यहाँ 218 है तो 18 लिखेंगे, और यहाँ भी बाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है। और फिर 19225 × इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो 1000 होगा, और फिर इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट मालूम करेंगे। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, टेन थाउजेंड्स, लाख, टेन लाख, करोड़, तो इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट 1,92,25,000 होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। थैंक्स।